जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उस आईपीओ को लाने में कंपनी का कितना खर्चा होता है जानेंगे इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो आईपीओ लाने में काफी टाइम लगता है, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपको काफी सारी पार्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, इसी तरह की और भी काफी सारी पार्टियां होती हैं। आपको काफी सारे कंसल्टेंट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, लॉयर से कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, एंड जो ये पार्टियां होती हैं इनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, फी को नेगोशिएट करना पड़ता है। ऐसे ही आपको सेबी के साथ, एक्सचेंजेस के साथ भी लाइजनिंग करनी पड़ती है, इनकी फी पे करनी पड़ती है, आपको आईपीओ की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अपना एडवर्टाइजमेंट मटेरियल फाइनल करना पड़ता है, एंड जो ये आईपीओ आता है, आईपीओ सक्सेसफुल हो इसके लिए आपको इन्वेस्टर्स के आगे पिच करना पड़ता है, फिर वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। एंड ऐसे ही जब आईपीओ ओपन होता है फिर उसमें एप्लीकेशंस आती हैं, अलॉटमेंट होती हैं, बाद में अलॉटमेंट की फाइनलाइजेशन होता है, शेयर्स इशू होते हैं, तो आई मीन बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं आईपीओ प्रोसेस में, एंड हर एक एक्टिविटी की अपनी कॉस्ट होती है। सो एक आईपीओ को लाने में कंपनी की कितनी कॉस्ट लगती है ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, उसमें काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट अच्छी बात यह है दैट जो भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है उस आईपीओ लाने में कंपनी के कितने खर्चे हुए वो खर्चे भी कंपनी को खुद ही बताने पड़ते हैं। सो ये जानने के लिए दैट आईपीओ लाने के लिए कंपनी का कितना खर्चा होता है हम एक काम करते हैं, जो पिछले 10-11 आईपीओज आए हैं उन्हीं को देख लेते हैं। आई मीन हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कौन सी कंपनी का आईपीओ आया था, उस आईपीओ का टोटल साइज कितना था, एंड उस आईपीओ से रिलेटेड कंपनी के कितने खर्चे थे। शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है BLS e-services का आईपीओ। इस कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज था वो था 310.91 करोड़ रुपीस का, एंड इस कंपनी के टोटल आईपीओ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे वो थे 31.55 करोड़ रुपीस के, एंड जो ये एक्सपेंसेस थे ये टोटल आईपीओ साइज का 10.20% थे। एक कंपनी थी नोवा एग्रीटेक, इस कंपनी का भी रिसेंट में ही आईपीओ आया था, इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज था 143.81 करोड़ रुपीस का, इस कंपनी के टोटल आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे 14.17 करोड़ रुपीस के, एंड ये जो आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे ये टोटल आईपीओ साइज का 9.85% थे। एक कंपनी है ईपैक ड्यूरेबल्स, इस कंपनी का आईपीओ भी अभी आया था, इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज था 540.05 करोड़ रुपीस का, एंड इस कंपनी के टोटल आईपीओ एक्सपेंसेस थे 32.49 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 5.08% था। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, इस कंपनी का आईपीओ ये 1000 करोड़ रुपीस का था, इस कंपनी के टोटल आईपीओ एक्सपेंस थे 50.46 करोड़ रुपीस के, एंड ये एक्सपेंसेस टोटल आईपीओ साइज के 5.05% थे। इनोवा कैपटब, इस कंपनी का आईपीओ साइज था 570 करोड़ रुपीस का, इस कंपनी के टोटल आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे 48.84 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 8.39% था। आजाद इंजीनियरिंग, इस कंपनी का आईपीओ 740 करोड़ रुपीस का था, एंड इस कंपनी के टोटल आईपीओ एक्सपेंस थे 53.19 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 7.19% है। क्रीडो ब्रांड मार्केटिंग और मफ्टी, इस कंपनी का आईपीओ साइज था 549.78 करोड़ रुपीस का, इस कंपनी के टोटल आईपीओ एक्सपेंस थे 41.04 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 7.53% है। RBZ ज्वेलर्स, इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज था 100 करोड़ रुपीस का, एंड इस कंपनी के टोटल आईपीओ एक्सपेंस थे 10.98 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 10.98% है। टाटा टेक्नोलॉजीज का काफी फेमस आईपीओ था, इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज था 3042.51 करोड़ रुपीस का, एंड इस कंपनी के टोटल आईपीओ एक्सपेंस थे 149.02 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 4.9% था। मामा अर्थ, अगेन काफी फेमस आईपीओ, इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज था 1701.44 करोड़ रुपीस का, एंड इनके टोटल आईपीओ एक्सपेंस थे 65.78 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 3.87% था। मथूट, इस कंपनी का आईपीओ साइज था 960 करोड़ रुपीस का, इनके टोटल आईपीओ एक्सपेंस थे 69.70 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 7.26% था। आईनॉक्स इंडिया, इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज था 1459.32 करोड़ रुपीस का, एंड इनके टोटल आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे 61.39 करोड़ रुपीस के, एंड ये टोटल आईपीओ साइज का 4.21% था। सो एक कंपनी को आईपीओ लाने में कितने खर्चे होते हैं ये डिपेंड करता है
कंपनी कैसी है, उसका टोटल आईपीओ साइज कितना है, एंड और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। बट जो टोटल आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो 3-4% से लेकर 10-11% के बीच में होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।